अब देखिए आज तक हमने देखे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेकिन आज मैं दिखाने वाला हूँ एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर। हमने आज तक जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के वीडियोस बनाए हैं गाइस, उसके अंदर सिर्फ क्या होता है कि बैटरी होती है, मोटर और पहिए होते हैं, स्कूटर होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज़ नहीं किए होते। आज एक ऐसा स्कूटर आप सभी के सामने जिसका नाम है एथर 450X और इसके अंदर सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर इतने हाई लेवल का यूज़ किया हुआ है, यहाँ तक कि जो इसकी जो फ्रेम्स है, जो इसकी बॉडी है, वो तक एक हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम की यूज़ की हुई है। इसमें कुछ भी लोहे का सामान तो पहली बात है नहीं, दूसरा जो इसकी ये बॉडी है इसमें कुछ पार्ट स्टील के हैं, कुछ पार्ट इसके अंदर और किसी मटेरियल के हैं, लेकिन इसके अंदर कहीं भी लोहा आयन जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई। इसके डिज़ाइन सेंस की बात करें तो ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा अर्बन राइडर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, बिल्कुल शार्प एजेस, शार्प सारी चीज़ें, और जो इसके व्हील्स हैं व्हील्स का साइज़ बड़ा दिया है इसके अंदर। यहाँ पे जो आप इसका मडगार्ड देख रहे हैं ये भी बहुत ही स्पोर्टी और शार्प दिया है। इसकी फेयरिंग देखें तो फेयरिंग भी जो है इसकी काफ़ी वाइड और अच्छी सी दी हुई है, और जो इसका बेस देख रहे हैं इस वक्त, ये जो बेस है ये वाला, इसके अंदर है इसकी जान यानी कि बैटरी, और यहाँ पे आपको इसकी मोटर मिलती है। अभी इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, आज तक हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर या पेट्रोल वाले स्कूटर में देखा है कि पूरी पूरी मोटर होती है, लेकिन आथर एनर्जी ने, आथर कंपनी ने कमाल कर दिया है। वो क्या कमाल है, इस स्कूटर के अंदर उन्होंने ड्राइव बेल्ट दे दी। आइए मैं दिखाई, तो गाइज ये है वो ड्राइव बेल्ट जो कि इससे जुड़ी हुई है व्हील से, और इसकी वजह से एक फ्यूचरिस्टिक साउंड इस स्कूटर में आता है, जिससे कि आपका जो चेन का, जो गेयर्स का जो भी शोर होता है, जितनी भी परेशानियों वाला जो शोर होता है ना, वो सारा का सारा किल हो जाता है। तो ये जो ड्राइव बेल्ट है ये काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर काम आती है। देखिए, एक तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। ये ड्राइव बेल्ट मुझे क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि जो चेन का सेटअप होता है ना वो चलता है 10-12 हज़ार किलोमीटर, 15 हज़ार किलोमीटर, 25 हज़ार किलोमीटर अगर अच्छे से चला लिया तो, ये चलती हैं 60-70 हज़ार किलोमीटर, और इनमें ज़ीरो मेंटेनेंस, कभी ऑयल नहीं डालना, कभी आपको इसको रिप्लेस नहीं कराना, कभी इसके अंदर जंग नहीं लगेगा, और सबसे अच्छी है, एक मैं बार बता देता हूँ कि ये साउंडलेस होती है, इसके अंदर कोई साउंड नहीं होता। अब अगर बात करें इसकी हेडलाइट की और टर्न इंडिकेटर्स की, तो जो इसकी हेडलाइट है वो LED शार्प हेडलाइट इसके अंदर दे रखी हैं, जो कि रात को कमाल कर देंगी, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। अभी अब तक हमने इसको रात को चला के देखा नहीं है। जो टर्न सिग्नल्स हैं वो भी LED हैं, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ होती हैं या फिर बाइक्स होती हैं, सेंस ये कहती है, दिमाग ये कहता है कि आप एलिमेंट वाले फ्लोरोसेंट बल्ब जो कि नॉर्मल बल्ब होते हैं वो मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे बैटरी ज़्यादा फूकेगी, तो जो यूज़र है एंड यूज़र उसको जो एंड एक्सपीरियंस है उसकी जो रेंज होगी वो कम हो जाएगा और एंड एक्सपीरियंस उसका हो जाएगा बेकार। अब जब हेडलाइट इतनी अट्रैक्टिव बना रखी है तो क्यों ना टेल लाइट को उतना अट्रैक्टिव बनाया जाए। ये देखिए, ये जो इसकी टेल लाइट है, एक अच्छी कार जो फ्यूचरिस्टिक कार्स होती हैं इलेक्ट्रिक कार्स, वैसी सी उसकी कुछ टेल लाइट है, और ये जो टर्न इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं ये भी इंटीग्रेटेड है, शार्प लुक ये देंगे आपके व्हीकल को, आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे पीछे से, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं इनको छोटा रखा जाता है, इनको हल्का रखा जाता है, तो जो ऊपर की फेयरिंग होती है उसको कुछ इस टाइप का बनाया जाता है कि जो इसकी प्रेजेंस है, जो रोड प्रोफाइल है, जो रोड प्रेजेंस है, वो थोड़ी सी इन्हेंस हो जाए। तो ये थोड़े से पॉइंट्स होते हैं जिनको ज़रूर बताना चाहिए और ज़रूर सुनना चाहिए। और यार, कभी कभार देखा जाता है कि कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनीज क्या करती है, ड्रम ब्रेक्स यूज़ करती हैं, बट इसके अंदर है रेयर में भी डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा और आपको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलेगा। तो कंपनी ने ऐसा सोचा नहीं कि भाई मैं ड्रम ब्रेक दूं और इसमें कॉस्ट कटिंग करूं। दोस्तों, हम जो स्कूटर लेते हैं वो लेते हैं यूटिलिटी के लिए, हमारे यूसेज के लिए। अगर यूसेज के अंदर बात करें तो आती है इसका बूट, और बूट के अंदर इतनी जगह है कि आप एक नॉर्मल से हेलमेट इजीली रख सकते हैं। हेलमेट नहीं रखिए तो इसके अंदर सामान रखिए, काफ़ी अच्छी सी जगह है। अच्छे बूट स्पेस के साथ हमें इसके साथ मिलती है एक बहुत ही प्यारी सी लाइट, जो कि आपके इस वाले पोर्शन को रात में देखने में मदद करेगी। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये स्कूटर नॉर्मल नहीं है, ये स्कूटर है स्मार्ट स्कूटर। स्मार्ट स्कूटर कैसे है, क्योंकि इसके अंदर है डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। अब वो कैसे काम करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। ये है इसका कंसोल, इसमें आपको स्क्रीन मिलती है इतनी बड़ी, जो कि एक बढ़िया सी कार की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी है। जैसे ही मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ गाइज, ये देखना, ये जो है इतना खूबसूरत तरीके से ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आपके सामने आ जाता है। बहुत सारे और फीचर्स हैं,
सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये स्टार्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मोटर ऑफ लिखा हुआ है। अभी मोटर ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाली ब्रेक दबानी है, और ये वाली जो रेयर ब्रेक आप दबाएंगे इसको दबा के रखिए, और आपको यहाँ से ये वाला राइट हैंड पे ये वाला सेल्फ का बटन आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे, जैसे मैंने कहा 3, 2, 1 प्रेस, तो मोटर ऑन का साइन आ गया। अब जब मोटर ऑन का साइन आ गया ना, तो ये अब चलने के लिए रेडी है। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना पड़ेगा कि जो हमारा किल स्विच है, यहाँ पे अगर आप देखें, ये किल स्विच ऑन पोजीशन पे होना चाहिए। इसको ऑफ कर देंगे आप, मोटर हो जाएगी ऑफ पोजीशन पे। अभी हम इसको ये रैप मोड पे चला रहे हैं। इसके अंदर है एक इको मोड, ये है आपका राइड मोड, स्पोर्ट्स मोड, और ये है रैप मोड। इसमें सबसे तेज़ भागती है, सबसे तेज़। इसके अंदर इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी गाइस, और आपको रेंज मिलेगी 84 किलोमीटर्स की। अभी ये है देखिए 99% चार्ज, और मैं इसमें अगर राइड मोड पे करता हूँ तो आपको स्पीड मिलेगी 70 या 69 किलोमीटर्स की, और फुल बैटरी पे। यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स मोड में लेके आता हूँ तो थोड़ा सा ही कम होता है, लेकिन देखिए कि हमारी जो टॉप स्पीड है ना, वो काफ़ी बढ़ जाएगी इसके अंदर, और बहुत ही बढ़िया वाला आपको फील आने वाला है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है इस स्कूटर की, अगर आप इसको इस मोड पे चलाएं, तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस देने वाला है जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर बहुत सारी और अच्छी खासियत है, वो मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसके अंदर है एक पार्क असिस्ट मोड, जो कि आप इसको ऐसे स्वैप करेंगे तो ये देखिए, ये रिवर्स में और फॉरवर्ड में ये चीज़ें चेंज करने के लिए, मतलब फॉरवर्ड जाने के लिए, रिवर्स जाने के लिए, मेरे को ये वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो जब मैं प्रेस करूंगा तो ये फॉरवर्ड में आ जाएगा, मैं प्रेस करूंगा रिवर्स में आ जाएगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। अब दोस्तों, हम जब घर में पार्क स्कूटर कर रहे होते हैं अपना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे ऐसे करके उसको हम पीछे करते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर उसको आगे करते हैं, ठीक है। इधर नहीं, ये चीज़ें चेंज कर दी, स्कूटर में बैक गियर दे दी। अब स्कूटर में बैक गियर कैसे दे दी, ये देखिए, मैंने ये बैक गियर लगाई, और ये देखिए बैक गियर, मैं फॉरवर्ड गियर लगाऊंगा, ये देखिए फॉरवर्ड गियर। स्कूटर में बैक गियर और फॉरवर्ड गियर, क्योंकि इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होते हैं तो उसके अंदर देना आसान होता है, लेकिन लोग बाग ऐसा सोचे भी तो सही, और कंपनीज ऐसा सोचना भी चाहिए कि हमें स्कूटर के अंदर रिवर्स गियर के ऑप्शन ज़रूरी चाहिए। जब स्कूटर को हमें खड़ा करना होता है, मतलब अगर टर्न करना होता है, तो हमें फॉरवर्ड और रिवर्स करना पड़ता है ना। अभी मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैंने ऐसे किया, ब्रेक मारी, रिवर्स, रिवर्स किया, ब्रेक मारी, फॉरवर्ड किया, ब्रेक मारी, और ये रिवर्स कर लिया। ये देखा आपने, रिवर्स जाती है स्कूटी, कितना सही फीचर है, मज़ा ही आ गया ये चीज़ देख के। और यहाँ से ये फॉरवर्ड जाएगी। ऐसी ही छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि एक प्रोडक्ट को एक अपर लेवल पे लेके जाती हैं। उसका मैं एक नया एग्जांपल, मतलब एक और एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इसकी ये साइड व्यू मिरर्स, मान लीजिए किसी बंदे की हाइट बड़ी होती है, तो ये साइड व्यू मिरर्स ऐसे करके आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे। मान लीजिए किसी की हाइट छोटी है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो डिज़ाइन है ये कितना सोच समझ के बनाया गया है। ये देखिए, ये शीशे हो जाएंगे नीचे ऐसे, और आप इसको ऐसे करके भी यूज़ कर सकते हैं। आपको छोटे में यूज़ करना है या फिर आपको बड़े में यूज़ करना है, अभी मैं एक बारी करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इतना फ़र्क इसके अंदर आ जाता है। मैं इसको छोटा कर दूंगा, आपकी हाइट छोटी है, छोटे में से देख लो। वैसे एक बात बताता हूँ कि मेरे को ये जो फीचर है ये पसंद आया, बाइक्स में भी होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसको सबसे छोटी पोजीशन पर भी देख रहा हूँ ना, मुझे पीछे सब कुछ दिख रहा है, मैं इसमें भी देख रहा हूँ, मुझे इसमें भी सब कुछ दिख रहा है। बस ये कन्वीनियंस के लिए कि आपको छोटा करना है, बड़ा करना है। ये देखिए, मैं इसको पूरा ऐसे छोटा करके, और इसको अपनी कन्वीनियंस के थ्रू ये शीशे जो है ऐसे भी बना सकता हूँ कि वो मिकी माउस वाला सीन ना आए कि उसके कान खड़े हुए हैं या फिर कुछ और। दोस्तों, अब सुनने वाले हैं इसका साउंड, जो उसके अंदर फ्यूचरिस्टिक साउंड है, जो दिल को छूता है। देखो पहले मेरा साउंड जाते हुए सुनना, फिर आएंगे एक फ्लाई बाय मारेंगे बहुत बढ़िया सा। 3, 2, 1 लॉन्च। तो साउंड सुना आपने, ये है एथर 450X का साउंड, फ्यूचरिस्टिक साउंड है। और वो साउंड आता कहाँ से है पता है? वो साउंड आता है इसकी ये ड्राइव बेल्ट से। ये कार्बन फाइबर की ड्राइव बेल्ट है, जो कि आपको एक स्मूथ साउंड और स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देती है। अब चलते हैं इसके रोड टेस्ट पे, देखते हैं कि एक बिलियन राइडर के साथ और एक्चुअल रोड कंडीशन में ये कैसा परफॉर्म करती है। Oh my God.
जी छूटते के साथ ही भाई 60-70 पे पहुंचती है यार। स्कूटर है क्या है ये चीज? ओह माय गॉड, ये है इसका जो एक्चुअल जो हमारी टेस्ट है वो एक्चुअल ट्रैफिक के साथ होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि हम खाली रोड पे जाएं और चलाएं। तो ये देखिए मतलब ब्रेक्स वगैरह इतनी सॉलिड है क्योंकि आगे और पीछे दोनों ही डिस्क हैं, और यहाँ पे जो मेरे को बिल्कुल भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस स्कूटी का। एक तो ये काफ़ी लाइट वेट है, दूसरा इसके अंदर पिकअप बहुत है, तीसरा मेरे पीछे तो पिलियन बैठा है वो बार बार पीछे की तरफ हो जाता है जब भी मैं इसको स्पीड देता हूँ। तो ये देखिए अभी रेड लाइट मिल गई, स्टॉप करते हैं। देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी इसके अंदर काम करती है। और दूसरी बात, ये जो आप इस वक्त ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं ये देखिए धूप में भी दिखता है। यहाँ पे इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, नाइट मोड वगैरह सेटिंग वेटिंग पे जाके आप ये नाइट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा डार्क की तरफ चला जाएगा तो ये डार्क में चेंज हो जाएगा, फिर आप सेटिंग्स में जाके थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अपनी स्पीड दिखाने के लिए। तो ये देखिए OMG, वाओ यार सीरियसली दिल खोल के चला रहा हूँ मैं इसको आज, और मज़ा बहुत आ रहा है मुझे, नो डाउट। दोस्तों यहाँ ख़त्म होती है इसकी टेस्ट राइड, और सीरियसली बताओ मैंने आज तक जितने भी स्कूटर्स की टेस्ट राइड ली है उसमें मुझे एक सुकून मिलता है, एक रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है, नो टेंशन राइड होती है। लेकिन इसकी जो राइड है ना वो एड्रेनलिन रश इतना ज़्यादा क्रिएट कर देती है, क्योंकि इसके अंदर जो टॉर्क है, जो पिकअप है, वो अभी तक के जो भी हमने स्कूटर्स राइड किए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स उन सब में ज़्यादा है। मैं एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ, ये चीज़ मैंने आज तक अभी तक किसी स्कूटर में नहीं देखी है। आप रेयर टायर देखिएगा, मैं व्हील्स करूँगा, देखिए पहले मोटर ऑन हो गई, अब देखिए ये चीज़ मैंने किसी स्कूटर में नहीं देखी है, इतना ज़्यादा पावरफुल स्कूटर है। अगर इससे हम व्हीली मारना चाहें तो व्हीली भी ईजीली लग सकती है। 28 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको स्टार्टिंग के अंदर मिल जाएगा। अब आप सोचिए कि ये स्कूटर कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये देखिए। अब जैसे मेरे जैसे बंदे जो कि जिनको टॉर्क और बहुत ज़्यादा पसंद है किसी भी चीज़ में, और उनको अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए होगा तो मैं जाऊँगा एथर 450X की तरफ या फिर प्लस की तरफ, जैसे भी मेरा बजट होगा। लेकिन मैं एक बार दोबारा से दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरी दिल्ली जो चीज़ है वो ये है, ये देखिए रेयर टायर, क्या तो पिकअप है भाई, बिल्कुल स्टंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप स्पोर्ट्स कार में बैठे हैं और आप व्हील्स मारते हुए जा रहे हैं। और इससे आप काफ़ी सारे स्टंट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो व्हीली कर सकते हैं, आप चाहे तो स्टॉपी भी कर सकते हैं, आप चाहे तो डोनट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस स्कूटर में जो कि बताना ज़रूरी था, और मैंने सोचा कि एक ऐसा प्रैक्टिकल एक वीडियो बनाया जाए जो कि हम एक पिलियन राइडर को बिठा के इसको रोड पर कैसे ले के जाएँ और कैसे कैसे हमारा एक्सपीरियंस होगा। तो ये है आथर 450 आप सबके लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, ऐसे ही और अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे साथ रहें। तो चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडिया, बाय बाय।